नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V21e 5G versus Realme Narzo 55G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V21e 5G में 6.32 इंच जबकि Narzo 55G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो V21e 5G में 2.91 इंच जबकि Narzo 55G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो V21e 5G में 0.3 इंच जबकि Narzo 55G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V21e 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V21e 5G में 165 ग्राम जबकि Narzo 55G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि V21e 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो V21e 5G में AMOLED जबकि Narzo 55G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V21e 5G में 6.44 इंचेस जबकि Narzo 55G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V21e 5G में 1080x2400 और Narzo 55G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V21e 5G में 84.37% जबकि Narzo 55G में 85.49% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V21e 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Narzo 55G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V21e 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 55G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V21e 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Narzo 55G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB की RAM मिलती है जबकि Narzo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Narzo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो V21e 5G में Android V11 जबकि Narzo 55G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी V21e 5G में 4000 mAh जबकि Narzo 55G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V21e 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,250 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 55G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo V21e 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 55G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में V21e 5G आगे है, मेन कैमरा में V21e 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में V21e 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है, दूसरा Vivo V20 Pro है, तीसरा OnePlus 9 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F19 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।